एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। अगर आप यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा और गाइस सबसे बेहतरीन और ख़ास प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। और एक बात आपको और बता दें कि ये गाइस आपका प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही जानदार है। अगर आप, मैं मानता हूँ गाइस, अगर मैं 50 क्वेश्चन आपका करवाता हूँ, हालांकि मैं 50 से ज़्यादा करवाऊंगा, जैसे गाइस आपका लगभग 70-75 क्वेश्चन इसमें मैं करवाऊंगा, लेकिन अगर आप 50 क्वेश्चंस भी अच्छे ढंग से गाइस 50 में अगर आप 30 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हो, 30 क्वेश्चन भी अगर आप राइट कर लेते हो, तो ये मैं मानूंगा मेरे प्यारे भाई कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है, यानी धार वाली तैयारी आपकी है। फिलहाल चलिए आज के इस बेहतरीन लाजवाब सेट की शुरुआत करते हैं। और एक बात आपको और बता दें कि अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइस कहते हैं गिरकर उठना उठकर चलना यह क्रम है संसार का। और फिर क्या है, कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत या हार का, जो भी होता घटनाक्रम रचिता स्वयं विधाता है, आज मिले जो दंड वो कल पुरस्कार बन जाता है। बेहतरीन लाइन है मेरे प्यारे भाई कि अगर आप जी जान शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, आज जो आपके लिए गाइस ये नींदें थोड़ी सी कड़वाहट में लगी रही हैं, या गाइस कहा जाए तो अगर आप आज परेशानियां झेल रहे हैं तो निश्चित है कि आने वाले दिनों में आपको गाइस बेहतरीन जीवन मिलेगा। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। अब गाइस ये सब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। क्वेश्चन क्या है कि वर्ष डैश में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसला में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी, राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका 1855 में। दैट मीन्स यहाँ पर 1855 में कोलकाता के पास जो हुगली नदी है इसमें गाइस रिसला में, यानी कि कोलकाता के रिसला में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। और आपसे गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन और कंप्लीट होता है कि कोलकाता जो है ये किस नदी के किनारे है मेरे प्यारे भाई, तो ये हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, आगे 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, यानी कि तांतिया टोपे, गाइस कहीं कहीं आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा तात्या टोपे का वास्तविक नाम, तो मेरे प्यारे भाई तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था भैया? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, को अंग्रेजों ने 1859 में कहां पर फांसी दी थी? गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे, राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा शिवपुरी में। कहां पर मेरे प्यारे भाई? शिवपुरी में। ऑप्शन बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से कौन उपभोक्ता माना जाता है? अब यहां पर मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है मेरे प्यारे भाई, इसमें आपका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी मॉल या सेवाओं की खरीदारी करता है, राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना, कोई रिएक्शन काम नहीं करेगा। अगला, परम अनंत एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर को शुरू किया गया था किसके द्वारा? ये गाइस शुरू किया गया है IIT गांधीनगर के द्वारा, गुजरात में गांधीनगर है, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? हाँ, इस पे गाइस मैं आपको एक और बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपके लिए वैसे तो इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, जब आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तब आप कहेंगे 24 दिसंबर। क्या कहेंगे? 24 दिसंबर। लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाता है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मेरे प्यारे भाई जब भारत न जोड़ करके विश्व शब्द जोड़ दिया जाएगा, यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कहा जाएगा, तब आप कहेंगे मेरे प्यारे भैया 15 मार्च। क्या कहेंगे? 15 मार्च को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, आज़ादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित की गई है? अब भारत में आपातकाल लगाने का जो गाइस कहा जाए अधिकार है, निर्णय है, ये गाइस किसके पास होता है? तो ये होता है भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं या महोदया राष्ट्रपति के पास। ठीक है, कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित की गई है? मेरे प्यारे भाई स्वतंत्रता के बाद से अब तक कुल मिलाकर के 3 बार। पहली बार कब हुआ था? जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था 1962 में, 26 अक्टूबर 1962 को जब भारत और चीन का युद्ध हुआ उस समय पहली बार आपातकालीन की स्थिति आई थी, उस समय पहली बार आपातकाल लगा था।
दूसरी बार लगा था मेरे प्यारे भाई वो लगा था जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ था, उस समय गाइस आपका दूसरी बार आपातकाल की स्थिति हुई थी। और तीसरी बार लगा मेरे प्यारे भाई वो लगा आंतरिक अशांति के कारण, और आंतरिक अशांति के कारण लगा था जो गाइस वो लगा था आपका 1975 में। कब लगा? 1975 में। और 1975 के बाद से ईश्वर कृपा से अभी तक तो कोई आपातकाल नहीं लगा है। तो मेरे प्यारे भाई कुल मिलाकर के 3 बार ही आपातकाल लगे हैं। राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साष्ठाम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है। ये गाइस एक मीठे पानी की झील है कहाँ पर, ये एक बात आप याद रखिएगा गाइस, ये है केरल में। कहाँ पर है? केरल में। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी केरल बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे, अगस्त 2022 में भारत सरकार किस राज्य में दक्षिण अफ्रीका से चीतों का पुनर्वास करने जा रही है। हालांकि मेरे प्यारे भाई किस राज्य से बात कर रहा है थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये गाइज आपका पुराना प्रैक्टिस सेट छपा हुआ है, ठीक है। हालांकि है तो गाइज ये आपका 2022 का ही, लेकिन गाइज ये आपके अगस्त से पहले ही छप गया था, वही प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ। हालांकि ये करंट अफेयर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में गाइज, अभी पिछले 2 दिन में न्यूज़पेपर आया था, उसमें कहा जा रहा था कि जो आपका CA पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा, ये गाइज आपका जुलाई से 2021 से लेकर के आपका गाइस ये पूछा जाएगा सितंबर 2022 तक। तो मेरे प्यारे भाई 2021 से 2022 तक करंट अफेयर आपके पूछे जाएंगे, तो अगस्त के करंट अफेयर तो लाजमी है पूछे जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, किस राज्य से पुनर्वास किए गए हैं? मध्य प्रदेश से। अगला, समूह 3 से लेकर के 12 तक के तत्वों डैश तत्व यह संक्रमण तत्व कहा जाता है। कहने का मतलब है गाइस जो ग्रुप थ्री से लेकर के ग्रुप 12 तक के जो गाइस एलिमेंट्स होते हैं वो किस ब्लॉक के तत्व होते हैं, या किस जिसे संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई जो आवर्त सारणी है उसमें समूह 3 से लेकर के 12 तक के तत्वों को याद रखिएगा ब्लॉक डी क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भाई, डी ब्लॉक के तत्व, या कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो संक्रमण तत्व, ठीक है, कहा जाता है। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया आपका, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख, अगला आपसे क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी, एक मिनट वेट कीजिए। देखो, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है। जो गाइस अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा है ये गाइस आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पर है भैया? नई दिल्ली में है। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं। अब ये क्वेश्चन गाइस आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ध्यान से अगर आप पढ़े होंगे गाइस तो बिल्कुल आप आसानी से बता सकते हैं। देखो गाइस, उसे कहा जाता है जीमैन इफेक्ट। क्या कहा जाता है? जीमैन इफेक्ट। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए। जो स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन का प्रभाव होता है उसे कहा जाता है गाइस जीमैन प्रभाव या जीमैन इफेक्ट। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे भैया आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले आदिवासी समूह नहीं है। ध्यान दीजिएगा गाइस, आदिवासी समूह कौन से नहीं है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले। ओके, ध्यान दीजिएगा, राइट हो जाएगा आपका मुंडा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? मुंडा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। WHO यानी कि गाइस जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसके द्वारा किस चिकित्सा संस्थान को क्षेत्रीय निदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ सकता है। राइट हो जाएगा आपका PGI चंडीगढ़। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात आपको और बता दें कि अगर आप अभी इस क्लास को लाइव देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लाइव के बाद इस क्लास को देख रहे हैं तो आपसे गाइस निवेदन है वीडियो की स्पीड आप थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूं क्योंकि गाइस मैं बहुत तेज़ बोलूंगा तो क्वेश्चन आपको समझ ना आएंगे, इसीलिए आप गाइस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो स्पीड थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा और आप जल्दी से वीडियो को ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका समय कीमती है और गाइस आपको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वीडियो ख़त्म कर दिया करें, इसीलिए मेरे प्यारे भाई मैं ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करता हूं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ सकता है।
तो कौन से ऐसे शासक हैं जिनकी मृत्यु गाइस पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की जो गाइस टेयर्स थी वहाँ से गिर करके हुई थी, वो हुई थी मेरे पहले भाई हुमायूं की। किसकी हुई थी? हुमायूं की। राइट हो जाएगा डियर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखो मेरे प्यारे भाई सत्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहला देखो, पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे में जल और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए इनमें एक विशेष ऊतक की उपस्थिति पाई जाती है, क्या यह सही है? ब्रायोफाइट्स के लिए क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे भाई, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए ही आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं कि 16 से 20 तक के गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर देना है, तो मैं इसे पढ़ूंगा कब? देखूंगा पहले गद्यांश बड़ा तो नहीं है। नहीं, अब बड़ा नहीं है मेरे प्यारे भाई, तो मैं इसे ज़रूर पढ़ूंगा, ठीक है। वैसे गाइस मैं गद्यांश बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे करवाना पड़ जाता है। चलो कोई बात नहीं, देखो जल्दी से पढ़िएगा, आप भी पढ़िएगा, ठीक है। आज के विज्ञान युग में प्रदूषण की समस्या एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। उद्योगों के विस्तार के साथ साथ प्रदूषण भी और अधिक फिर क्या है बढ़ रहा है। फिर देखो, धरती का वायुमंडल इतना विषैला हो गया है कि किसी भीड़ भरे चौराहे पर सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगती है। प्रकृति में जब तक संतुलन बना हुआ था तब तक जल और वायु दोनों ही शुद्ध थे। उपयोगितावाद के हाथों प्राकृतिक साधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ है, परिणाम स्वरूप वातावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ा ही है। आज स्थिति यह हो गई है कि न केवल हवा बल्कि जल स्रोत भी दूषित हो गए हैं। इतना ही नहीं, अब तो ध्वनि प्रदूषण के भी दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। अब मैं एक बात आपको और बता दूं कि ये जो गाइस आप पैसेज पढ़ रहे हैं या आप इस गद्यांश को पढ़ रहे हैं, ये गद्यांश मैंने गाइस आपका YCT पब्लिकेशन यानी यूथ कंपटीशन टाइम्स में मैंने आपको पढ़ाया है। रोजगार विदंगित पब्लिकेशन की जो बुक है गाइस वो उसमें मैंने आपको पढ़ाया है। घटना चक्र पब्लिकेशन का जो गाइस आपका उसमें मैंने आपको पढ़ाया है। ये गाइस तीन तीन आपके गद्यांश थे, मतलब तीन तीन प्रैक्टिस सेट में गाइस मैंने एक ही गद्यांश आपको ये पढ़ाया है। कहने का मतलब ये गद्यांश आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए गाइस मैं यहाँ पर स्किप बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग शब्दों से असंगत है? अब पुल्लिंग शब्दों से असंगत है ये कह रहा है ना, पुल्लिंग शब्दों से असंगत का मतलब हुआ कि इसमें कौन सा पुल्लिंग नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग है ना। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर देखो, स्थिति जो है गाइस ये आपका स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि कहते हैं आजकल बहुत ही भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैंने क्या कहा? हो गई है, तो मतलब मेरे प्यारे भाई ये आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। राइट क्या हो जाएगा डियर आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसका वचन या लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेगा? अब मेरे प्यारे भाई आप देखो, जल, जल जो है गाइस, कभी आपने सुना कि जल पीनी चाहिए? नहीं, जल पीना चाहिए। हमेशा गाइस आपने पढ़ा होगा जल पीना चाहिए। क्या आपने कभी पढ़ा गाइस कि जल जलाएं, जलाएं या जलाऊं, कुछ भी पढ़ा? नहीं पढ़ा ना। क्यों? क्योंकि गाइस जल जो है ये हमेशा गाइस हमेशा अपने आप में, चाहे कहो एकवचन चाहे कहो बहुवचन, ये गाइस हमेशा अपने वचन में ही रहता है। इसका वचन या लिंग गाइस किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। राइट क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए। अब उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ आपको बताना है, मतलब इसका ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म, ये होता है आपका उपयोगितावाद, ठीक है। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे, वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? थोड़ा सा समझिएगा, इजी बहुत है। मैंने क्या कहा? बिल्कुल गाइस आपको दिमाग लगाना है, आसानी से आप बता सकते हो। अब यहां पर आप देखेंगे गाइस क्या यहां पर बताया गया कि हम संभले नहीं तो विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे, मतलब ये भविष्य की बात की जा रही है कि अभी अगर आप नहीं संभले वर्तमान में तो आने वाला भविष्य खतरे में चला जाएगा, बात ये तो की जा रही है ना। तो मेरे प्यारे भाई संभाव्य भविष्य यहां पर है, मतलब आएंगे, मतलब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता ना, तो संभाव्य होगा आपका। तो राइट क्या हो जाएगा भैया आपका? संभाव्य भविष्य। राइट क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट, सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है। अब इसमें गाइस जो शब्द है चौराहा, ये जो चौराहा शब्द है ये गाइस आपका, मतलब इसका जो अर्थ है ये क्या है? चौराहे शब्द का अर्थ क्या? चौराहा, चौराहा का मतलब क्या होता है? मतलब चारों तरफ से राह हो, राह मतलब गाइस रास्ता, यानी कि जहाँ से चारों तरफ रास्ते हों या वह स्थान जहाँ चार रास्ते मिलते हों उन्हें कहा जाएगा आपका क्या, क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे भाई?
चौराहा। तो मेरे प्यारे भाई एक एकाधिक स्थान जहां चार रास्ते मिलते हों, राइट यहां पर क्या हो जाएगा डियर आपका ऑप्शन नंबर डी गलत, बी बिल्कुल गलत होगा। जहां चार रास्ते मिलते हों ये आपका गलत होगा गाइस। एक अधिक एक से अधिक स्थान चौराहों यहां पर कहा गया, ना कि चौराहा कहा गया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। अब यहाँ पर गाइस आपका आ गया है क्या, रीजनिंग आ गया, ग्राफ आ गया। ग्राफ देखो मैं करवा दूँ कोई दिक्कत नहीं होती है, बट गाइस मैं ग्राफ करवाऊँ यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर मैं गाइस आपको समझाऊँ, क्वेश्चन में लेकर जाऊँ, फिर यहाँ पर लेकर आऊँ, फिर क्वेश्चन में लेकर जाऊँ, तो गाइस आपका टाइम ही वेस्ट होगा, इसलिए मैं ग्राफ नहीं करवाता हूँ। फुल वीडियो मैं टेलीग्राम पर भेज देता हूँ। गाइस मैं आपसे निवेदन कर लेता हूँ कि आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आपके सॉल्व नहीं होते हैं आप हमारे पास स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करके कॉपी में आपको समझा दूंगा। हमारी इतनी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे भाई, कर्तव्य हमारा इतना है। अब गाइस आप पढ़ें ना पढ़ें, पीडीएफ मैं आपको दे देता हूँ, आप सॉल्व करें ना करें वो तो मैं नहीं कर सकता ना, मैं केवल आपको दे सकता हूँ बस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे भाई। जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 आपका दिया गया है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, शायद क्वेश्चन एक आपका स्किप हो रहा है, जीके का ही, हाँ शायद ये क्वेश्चन स्किप हो गया, तो कोई बात नहीं, अब देख लीजिए। एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम कितने सीटें जीतता है। कम से कम मेरे प्यारे भाई कम से कम वह 11 सीट जीत जाए, कितना शुभ संख्या में 11 सीट जीत जाता है, तो वह सदस्य में कम से कम तीन विभिन्न राज्यों में गाइज चुन जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब गाइज तब वह एक राजनीतिक दल यानी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेगा या उसके योग्य हो जाएगा, तो कम से कम 11 सीट आपका राइट होगा। ओके नेक्स्ट, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं वो। फिर देखो, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था। अब मेरे प्यारे भाई जब छठी शताब्दी थी तो उस समय जो मथुरा के आसपास के क्षेत्र थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें गाइस सूरसेन का क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था भैया, सूरसेन कहा जाता था। गजब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय वाणिज्यिक संघ यानी FICCI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत बढ़िया, किस वर्ष हुई थी मेरे प्यारे भाई, 1927 यानी 1927 में, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके सामने माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किसने जम्मू और कश्मीर में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा मनोज सिन्हा ने, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी या BJP की स्थापना जो है या किस वर्ष की गई थी। BJP या भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई, इसकी स्थापना की गई थी मेरे प्यारे भाई 1980 में, करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत सरकार की पहल मिशन इंद्रधनुष जो है या किससे संबंधित है। मेरे प्यारे भाई भारत सरकार की जो पहल है मिशन इंद्रधनुष, मेरे प्यारे भाई जो मिशन इंद्रधनुष है ये टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। और गाइस टीकाकरण का मतलब, टीका लगाने का मतलब क्या होता है गाइस, कि रोगों से रक्षा करना यानी प्रतिरक्षण करना, तो क्या हो जाएगा भैया, प्रतिरक्षण से संबंधित है। डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को 1-0 से हरा करके हॉकी एशिया कप 2022 में क्या जीता है, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक या इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर है मेरे प्यारे भाई, कांस्य पदक जीता गया है, राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किशोरी अमोनकर का संबंध किस क्षेत्र से है। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा भारतीय शास्त्रीय संगीत से है, राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 1739 का जो करनाल का युद्ध हुआ उसमें नादिर शाह और किसके बीच ये लड़ा गया था। कहने का मतलब है जो करनाल का युद्ध हुआ कब हुआ मेरे प्यारे भाई, 1739 में, अच्छी बात है। अब मेरे प्यारे भाई जो करनाल का युद्ध हुआ ये नादिर शाह के बीच हुआ था और किसके बीच हुआ था, मोहम्मद शाह के बीच हुआ था, किसके, मोहम्मद शाह, करेक्ट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 21-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा पहले के 6.9% से घटा करके GDP का कितना परसेंट रहा। मेरे प्यारे भाई जो GDP का परसेंटेज रहा वह कितना रहा ये पूछा गया आपसे, राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 6.9 से घटा करके 6.7, राइट क्या हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये आपका गाइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेट है या कहा जाए थोड़ा टफ लेवल सेट है, तो मेरे प्यारे भाई भले ही कठिन आपको क्वेश्चंस लग रहे हों लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कठिन लगे तो आप भाग जाओ, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान से पढ़ाई करना है। और ये तो है नहीं गाइस कि बिल्कुल लुल्लू पुंजू वाला सवाल आएगा एग्जाम में,
कंपटीशन हाई है, 37-38 लाख बच्चे इसमें फॉर्म भरे हैं। तो मेरे प्यारे भाई देखो, कोई भी एग्ज़ाम होता है गाइस वो पास करने के लिए नहीं लिया जाता है, समझते हो, कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं होता है। जैसे मान लिया मैंने प्यारे भाई कि 5,000 आपकी वैकेंसी आती है, कोई भी वैकेंसी 5,000 वैकेंसी आती है, उसमें गाइस आपका 5 लाख फॉर्म भरता है, तो गाइस क्या 5 लाख बच्चे उसमें पास हो जाते हैं? नहीं होते ना। तो कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं होता है। उसमें गाइस जो एग्ज़ामिनर होते हैं या गाइस कहा जाए जो पेपर बनाने वाले होते हैं, वो गाइस इसी मकसद से बनाते हैं कि आप उसमें भ्रमित हों और आपको गाइस थोड़ा कम नंबर मिले, ठीक है। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई जी जान शिद्दत के साथ, और जो गाइस पूरी दिन रात एक करके पढ़ाई करेगा, आज के दौर में केवल उसी का सिलेक्शन होने वाला है। देखो, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? जब निम्न वायुमंडलीय दाब होगा गाइस, जब कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तभी होगा ना, राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? यानी कि इससे किसी भी मनुष्य को जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध जो है, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? मतलब ये गाइस प्रतिबंध लगाने का जो उल्लेख है यह किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 23 में, राइट हो जाएगा 23वां आपका, ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल का निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? राइट हो जाएगा भरतनाट्यम से, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारी की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था? अब देखो मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आपके बिल्कुल वही रहते हैं, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है। जैसे आपके गाइस पहले जो सेट में क्वेश्चन आए हुए थे वो आपने देखा, केवल क्वेश्चन हमें आपसे पूछा जाता था कि अभिनव भारत का गठन किसने किया। अब यहाँ पर लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा बना करके 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया, इतना बढ़ा चढ़ा के पूछा गया। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई इसी प्रकार पूछे जाते हैं, लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, ठीक है, कोई डिट्टो क्वेश्चन नहीं आता है। बीडी समारकर गठन किसने किया? बीडी समारकर ने कब किया गाइस? 1904 में, यानी 1904 में। आगे, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेरे प्यारे भाई ए एंड बी में ही सही है आपका, बताओ। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए अनुमोदन अनिवार्य नहीं है, यही आपका राइट है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी ब्रदर, यहाँ पर आपका जो सही होगा इसमें गलती हो गई गाइस, थोड़ा माफ़ करना। देखो लगातार क्लास लेने की वजह से थोड़ी बहुत गलती हो जाती है ना गाइस, बार बार क्वेश्चन पढ़ो, बार बार गाइस उसे देखो तो ना थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, इतना माफ़ करना। हालांकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि गलती तनिक भी ना हो, लेकिन फिर भी हो जाती है तो माफ़ कर दिया करूँ, ठीक है, माफ़ करने योग्य रहे तो। हर वैसे भी गलती करना गाइस बहुत अच्छा काम नहीं होता है, तो माफ़ करना हो सके तो। देखो, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछा गया था मेरे प्यारे भाई, मैंने गलती कर दी। देखो, राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है, हाँ बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाई, ये आपका राइट है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए अनुमोदन अनिवार्य नहीं है, ये भी आपका सही है। तो मेरे प्यारे भाई ए एंड बी आपका दोनों सही है, इसके लिए कहीं ना कहीं गाइस कूट भाषा जरूर दी गई होगी, तो मैं देख लेता हूँ कूट भाषा है, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई ए एंड बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई? बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत गजब का। किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई? मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, जो पंचवर्षीय योजना 5वीं थी गाइस, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक है। जो गाइस 10वीं थी, इसमें कार्य के लिए खाद्य योजना का वर्णन किया गया या उल्लेख किया गया या फिर गाइस इसमें आरंभ की गई, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। वेटिंग फॉर अ वीजा नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? वेटिंग फॉर ए वीजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? वेटिंग फॉर ए वीजा नामक पुस्तक के लेखक जो है मेरे प्यारे भैया, वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर, राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ब्रिटिश द्वारा जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया या किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? मेरे प्यारे भाई जो प्लासी का युद्ध हुआ या किसके नेतृत्व में लड़ा गया ये पूछा जा रहा है आपसे, अच्छी बात है। और ये गाइस हुआ था जो, ये हुआ था अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? गजब का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट हो जाएगा वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब मेरे प्यारे भाई इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर आएगा।
मैं ये नहीं कहता इसी में आएगा, लेकिन एग्जाम में ज़रूर आता है। ठीक है, देखो यूरोप की जब पूछा जाएगा लंबी नदी, तब आप कहेंगे वोल्गा। दो दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था, मेरे प्यारे भाई विश्व की सबसे लंबी नदी। जब विश्व कहा जाएगा तब आप कहेंगे नील। मेरे प्यारे भाई जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व में आयतन की दृष्टि से या गाइस कहा जाए चौड़ाई की दृष्टि से या पानी की दृष्टि से सबसे लंबी नदी या सबसे चौड़ी नदी, वह गाइस आपकी अमेजन। यूरोप की सबसे लंबी नदी, वह गाइस आपकी वोल्गा। ठीक है, आगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइज राष्ट्रपति हमारे यहाँ के जो थे रामनाथ कोविंद, महोदय रामनाथ कोविंद, और गाइज उनके द्वारा मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? बहुत बढ़िया, अल्ताफ हुसैन भट्ट को। राइट हो जाएगा डियर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी गाइज MSP पहली बार घोषित किया गया? किस कृषि के लिए किया गया था? बहुत बढ़िया, धान की कृषि के लिए, जो कि इस समय चल रहा है, खेती उसी की चल रही है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? मेरे प्यारे वाइन, वाइन का मतलब आप जानते हो क्या होता है? ये गाइस आपका वाइन का मतलब हो जाएगा, आपका हो जाएगा गाइस शराब। क्या होता है? शराब। वाइन यहाँ पर ये अंग्रेजी वर्ड लिखा गया है। ठीक है, ये वाइन का मतलब होता है शराब यानी मदिरा। ओके, तो मेरे प्यारे भाई इसमें किसका प्रयोग किया जाता है एजेंट के रूप में? किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, जिलेटिन का। किसका? जिलेटिन का। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा BSE स्टॉक एक्सचेंज। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? राइट हो जाएगा 1849 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मैं जानता हूँ गाइस कि ये सेट आपको थोड़ा कठिन ज़्यादा लग रहा होगा, कोई बात नहीं मेरे प्यारे भाई, कठिन लग रहा है वो बात आप बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि कठिन उन्हीं के लिए होता है जो पढ़ते नहीं हैं। आप तो दिन रात लेकर के पढ़ रहे हैं, भले ही आप यहाँ पर आंसर ना जाने हो कोई बात नहीं, लेकिन गाइस एग्जाम में आपको हर एक प्रश्न का आंसर आना चाहिए, सबसे बड़ी बात होती है। दुनिया में गाइस बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? कौन सी है? बहुत बढ़िया, अंग्रेजी। राइट क्या हो जाएगा आपका? अंग्रेजी। नेक्स्ट, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं? कितने गाइस? कुल मिलाकर के 2। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है कि कौन सा अरब देश इसराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया है? राइट हो जाएगा आपका मेरे प्यारे भाई, हो जाएगा UAE, यानी कि गाइस यहाँ पर आपका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली जो पहली भाषा थी मेरे प्यारे भाई, वो थी तमिल। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक इसके नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, बंगाल का शोक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। मैं यहाँ पर ज़्यादा आपको समय नहीं दे रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, कम समय में कवर करना है, इसलिए मैं तेज़ी से चल रहा हूँ। ठीक है, टाइम वेस्ट करने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बंगाल का शोक गाइस दामोदर को कहते हैं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। विक चोटे क्विक क्या नाम है, क्या लिखा है? क्वी छोटे नामक पुस्तक के लेखक है। जो यहाँ पर क्वी छोटे नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है गाइस? सलमान रुश्दी है। कौन है? सलमान रुश्दी। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, गाइस एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसका ADB का फुल फॉर्म होता है, हिंदी में बात की जाए तो एशियाई विकास बैंक की, जो गाइस स्थापना हुई या किस वर्ष हुई थी? गजब का क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, अब हो जाएगा 1966 में। कब हुई? 1966 में। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत जो है या किसने की थी? क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? बहुत बढ़िया, राजा राम मोहन राय ने, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत में पुनर्जागरण का जनक जो है ये राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। अगला गाइस की मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है या किस खेल से संबंधित है? गाइस क्या कह रहा है कि मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 79 मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा हॉकी से। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफोबिया, हीमोफोबिया, हाँ हीमोफोबिया
का डर, मतलब हीमोफोबिया जो है गाइस ये किसका डर है, मतलब ये गाइस हीमोफोबिया जो है यह होता है किसके कारण, ये होता है गाइस आपका रक्त, रक्त का डर है। राइट क्या हो जाएगा डियर आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पर आपका ये दिया गया है मेरे प्यारे भाई, आपका यहाँ पर रीजनिंग और मैथ बचा है, ठीक है। तो ये मैं पूरा फुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप जाकर के इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी बचा मैं क्वेश्चन और आपके हल करवा देता हूँ। प्यारे भैया आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको और बता दें मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा नज़दीक है, मात्र गाइस अब दिन नहीं बल्कि घंटे बचे हुए हैं, है ना। तो मेरे प्यारे भाई आपका हर एक समय कीमती है, तो गाइस इसीलिए हम आपके लिए थोड़ा और भी मेहनत कर रहे हैं। गाइस आपके लिए फास्ट रिवीजन का एक मैंने चैनल बनाया है, मतलब चैनल का नाम फास्ट रिवीजन नहीं है, ठीक है, आप सर्च करेंगे तो मिलेगा ही नहीं। गाइस जो चैनल है गाइस उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, UPSSC पेट के नाम से है, ठीक है। आप गाइस उसको जाइएगा, उसमें देखिएगा, फास्ट रिवीजन आपको वहाँ पर मिलेगा गाइस, बहुत ही, जैसे गाइस यहाँ पर आपका मैं धीरे धीरे करवाता हूँ क्वेश्चन, आपको ढंग से समझाता हूँ। उसमें गाइस आपका एक घंटे में कम से कम गाइस मैं आपका 250 से 300 क्वेश्चन में करवा देता हूँ, ठीक है। तो आप उस चैनल को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक अवेलेबल है, आप गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, आपको मिलेगा UPSSC पेट एग्जाम फास्ट रिवीजन, क्लिक हियर, आपको गाइस ये मिलेगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई आप वहाँ पर जाएंगे, करंट अफेयर की क्लासेस, मैराथन क्लासेस आपको सारी वहीं पर मिलेंगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे भैया आप अभी के अभी उस चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करो ना करो मुझे इससे फर्क नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा गाइस कि अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो गाइस कि एग्जाम नज़दीक है, तो आपको जी जान शिद्दत के साथ तैयारी करनी चाहिए। तो इसीलिए गाइस हम आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत लगा रहे हैं, जितनी ज़्यादा कोशिश कर पा रहे हैं हर संभव हमारी कोशिश जारी है। फिलहाल चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बात हो गई है, समझ गए होंगे आप। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, कवियत्री जो है इसका जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा वो क्या होगा, ये पूछा गया। यहाँ पर मेरे प्यारे भाई बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, जो ऑप्शन सी में लिखा गया है बहुत ही सही लिखा गया है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चिरंतन का विलोम है, चिरंतन का विलोम जो है गाइस ये क्या होगा, चिरंतन इसका विलोम है मेरे प्यारे भाई वो है नस्वर, क्या होता है भैया नस्वर होता है, डियर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कामदेव का या कामदेव के पर्यायवाची शब्द क्या है, कामदेव, मैंने क्या कहा कामदेव मेरे प्यारे भाई, इसकी पर्यायवाची है अनंग, क्या है अनंग है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, इसके लिए जो गाइस आपका एक शब्द होगा वो क्या होगा, जल्दी से आंसर देंगे मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो जब एक देश से दूसरे देश में माल भेजे जाएंगे, कोई भी वस्तु गाइस अब ट्रांसपोर्ट की जाएगी, तो उसे कहा जाएगा मेरे प्यारे भाई निर्यात, और जब आएंगे तो उसे कहा जाएगा आयात, यानी आना यानी आयात, नहीं मतलब गाइस हमारे यहाँ से जा रहा है ना, हमारे पास नहीं है, नहीं मतलब नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा निर्यात, मतलब एक देश से दूसरे देश में माल भेजे जा रहे हैं, है ना, ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा निर्यात। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 100। त्रिशंकु होना इस मुहावरे का अर्थ है अधर में लटकना, जैसे गाइस आप जैसे जानते हो कि आपका पेट का जो गाइस जब से एडमिट कार्ड आया है उसके बाद से गाइस सिर्फ देखने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई है, कहने का मतलब यह है कि गाइस सिर्फ पढ़ने वालों की संख्या दोगुना बढ़ गई है, क्यों, क्योंकि अब एग्जाम सर पे आ गया है, तो और वही गाइस अधर में लटके रह जाते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे भाई समझ जाओ अब आपका एग्जाम नज़दीक है, तो उसी गाइस जो पहले से तैयारी करते हुए चले आ रहे हैं, सिलेक्शन तो हो जाएगा, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है, आपका एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर रहेगा, माता रानी की कृपा आप सब पर है मेरे प्यारे भाई, माता सरस्वती का आशीर्वाद है, निश्चित है कि आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर जाएगा गाइस, हमारी शुभकामना आपके साथ है, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिएगा। इसका गाइस सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के साथ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, यहां पर गाइस मैंने आपका यह गद्यांश बिल्कुल स्किप करवा दिया है, टाइम वेस्ट करना कोई गाइस अच्छा काम नहीं होता है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पर मैं भेज दूंगा, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया है एक बार फिर से आपको बता दें, फास्ट रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ठीक है। करंट अफेयर की क्लासेस भी आपको वहीं पर मिलेंगी मेरे प्यारे भाई, जितनी भी बेहतरीन और मैराथन क्लासेस होंगी आपकी, बेहतरीन तो उसमें इस पर हो ही रही है, मैराथन क्लास और फास्ट रिवीजन, ठीक है, वो मेरे प्यारे भाई आपको उस चैनल पर मिलेगी। तो मेरे प्यारे भैया आप अभी के अभी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। तो बस आप तैयारी आप
जीजान शिद्दत के साथ करते रहिए। मिलते हैं कुछ ही देर बाद एक नए प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि गाइस हम आपके लिए जितनी ज़्यादा कोशिश कर पा रहे हैं हर संभव हमारी कोशिश जारी है, जितनी ज़्यादा आपको क्लासेस दे पाएँ हर संभव हम आपके लिए गाइस मेहनत कर रहे हैं। बस आप सभी का प्यार एवं सहयोग बना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा अपने हर एक प्यारे भाई बहन तक। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेहनत अगर आपको अच्छी लगी है, बोलते बोलते गला सूख जाता है, क्योंकि गाइस मुझे कोई से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, दो दिन बाद तो मुझे आपको गाइस आराम मिलेगा, मुझे भी आराम मिलेगा, बस दो दिन बाद है ना, दो दिन जितनी मैं आपके लिए मेहनत कर पाऊँ हर संभव में कोशिश कर रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल नोटिफिकेशन आएगा उसे दबा करके सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो बस मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, नहीं गया गाइस अभी दो घंटे बाद, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।